दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं परिक्रमा के कुछ नियमों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब हम मंदिर में जाते हैं तो परिक्रमा अवश्य करते हैं, क्योंकि ये परिक्रमा जो है हमारी पूजा का एक हिस्सा माना जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम जैसे सूर्य नारायण की परिक्रमा कर रहे हैं तो हमें 7 बार परिक्रमा करनी है। सुबह जल चढ़ाने के बाद सूर्य नारायण की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। गणेश जी की परिक्रमा अगर हम कर रहे हैं तो 3 बार करनी चाहिए, सिर्फ 3 बार। विष्णु भगवान के मंदिर में अगर हम विष्णु जी की परिक्रमा कर रहे हैं उनका स्मरण करके, तो 4 बार परिक्रमा करनी चाहिए। अगर हम दुर्गा माँ के मंदिर में हैं या दुर्गा माँ को स्मरण करके भी अगर परिक्रमा कर रहे हैं तो 1 बार परिक्रमा करनी चाहिए। हनुमान जी की परिक्रमा हमें 3 बार करनी चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, सिर्फ 3 बार। शिवलिंग की अगर आप शिव जी के मंदिर में कर रहे हैं परिक्रमा या उनका स्मरण करके कर रहे हैं तो शिवलिंग की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो, ज़रूर से इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में जो है शेयर कीजिए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।